हेलो एवरीवन, मैं हूँ इरफान आलम और आप लोग देख रहे हो इरफान आलम फिटनेस। और मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो को चालू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इरफान आलम फिटनेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले मसल मेनिया जो दिल्ली में हुआ, और ये बहुत चर्चे में था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एथलीट्स को लेके, और पब्लिक भी इतनी भड़क गई थी कि मत पूछो गाइस। तो गाइस, आज सारी के सारे बातें हम लोग उस पर करने वाले, और स्टेज पे जो जितने भी एथलीट्स खड़े उन सब की फिजिक्स भी हम लोग देखने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सारे के सारे एथलीट्स यहाँ पे पहुँच गए हैं स्टेज पे, और एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और आप लोग को क्या लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कौन लगता है डिजर्विंग विनर मसल मीडिया का। मुझे भी गाइस ऐसा लगा एक साइड से कि बायर्स हैं जजेस लगता है। गाइस आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में। जो बंदा ये आगे आगे परफॉर्म कर रहा है ना, इसकी फिजिक्स मुझे सबसे अच्छी लगी, यस आनंद से भी ज़्यादा अच्छी लगी। ये मतलब मैं जो डिजर्विंग है उनके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं बायर्स हूँ, ऐसा बहुत से लोग बोल रहे थे कि जजेस बायर्स हैं, ये बायर्स हैं। तो आप लोग अभी जैसे बैक पोज करेंगे गाइस, तो आप लोग इसके बैक्स देख सकते हो, और इसके बाद जो अभी यस आनंद बैक पोज करेंगे ना उनके देख सकते हो, बहुत डिफरेंस है। मतलब मुझे लगता है कि ये बंदा ज़्यादा डिजर्विंग है, ऐसा लगता है गाइस। आपको क्या लगता है आप लोग बता सकते हो। तो अभी गाइस आज परफॉर्मेंस और भी देखेंगे, तो जिससे धीरे धीरे मालूम चलेगा गाइस। शायद पोजिंग वगैरह में भी हो सकता है, लेकिन पोजिंग्स भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है उसकी, और यश भाई की तो देख सकते हो उनकी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आया कौन से एंगल से इनकी फिजिक्स, एक दो तीन चार बंदे की फिजिक्स मुझे काफ़ी तगड़ी लग रही है। यस आनंद से तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। आपको क्या लगता है गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, काफ़ी देर तक ऐसा परफॉर्मेंस चलता रहा, और धीरे धीरे करके सारे के सारे अभी खिलाड़ी अपने अपने फिजिक्स दिखाएंगे। अभी जो ये बैक परफॉर्म बैक दिखाएंगे ना गाइस, आप लोग ये देख सकते हो, यश भाई का बैक देखना, और यश भाई के जो बाजू के बाजू में उनका बैक देखना। यहाँ से मुझे उनका बिल्ला नंबर दिख नहीं रहा है, फिर भी बता रहा हूँ, देख लो इनका बैक कैसा है, एकदम परफेक्ट। और यश भाई का बैक देखो, उनमें जो शार्पनेस नहीं है, और जो ये ब्लू वाले बंदा है ना उसमें शार्पनेस देखो, उसके बाजू के बाजू वाले बंदे में भी शार्पनेस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा हैं जो ऐसा लगा ऑडियंस को कि मतलब गलत हुआ है इस बंदे के साथ, और यस भाई को कैसे विनर घोषित कर दिया है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया गाइस। लेकिन ऐसा लगा, तो गाइस देख लेते हैं आगे के धीरे धीरे परफॉर्मेंस। जो पहला वाला बंदा है तो इसका तो कोई चलो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है इसकी भी फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, एब्स चेस्ट शोल्डर काफ़ी बेहतरीन है गाइस। धीरे धीरे हम लोग सारे एथलीट्स के यहाँ पे देखने वाले हैं फिजिक्स, और पोजिंग्स वगैरह के भी मतलब जजेस मार्क काटते हैं, लेकिन पोजिंग्स में भी देखा जाए तो पोजिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। और इस बंदे की बात कर रहा था, ये देख सकते हो आप, इसकी फ्रंट काफ़ी अच्छी है और पोजिंग्स वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है। अभी अपने आ रहे हैं यस भाई, जो इनकी पोजिंग भी देख लो, लेकिन इनकी पोजिंग्स वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है। शायद पोजिंग की वजह से शायद इनका कुछ बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि मेन होता है ना गाइस, आप कितनी भी अच्छी फिजिक्स लेके आ जाओ, जब तक आपकी पोजिंग परफेक्ट नहीं होगी तो जज आपको जज कैसे करेंगे। ये भी हो सकता है एक रीज़न, लेकिन डिजर्विंग्स देखा जाए तो मसल्स के हिसाब से तो मुझे तो वही लगा गाइस। सो उसके बाद आते हैं गाइस सोलो परफॉर्मेंस की, जो अभी आपको एकदम अच्छे से दिखाता हूँ गाइस। जो यश भाई की जो फिजिक्स है वो शायद देखो, इनकी पोजिक्स और मेन तो गाइस इसमें ना, कोई भी कंपटीशन आप खेलने जाते हो तो उसमें मेन होता है पोजिंग, और जो यश भाई की पोजिंग है काफ़ी बेहतरीन है। इन्होंने लग रहा है पोजिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मसल्स के मामले में थोड़े से वीक मुझे लगे, आपको क्या लगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शोल्डर जैसे कि आप देख रहे हो, एक डाउन है एक ऊपर है, ये मुझे थोड़ा वीक जैसा लगा, और उस बंदे की मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ वीडियो यश भाई के बारे में है, तो पूरा का पूरा यश भाई का ही दिखाऊंगा गाइस। और कप पोजिंग सची है, और फेस पे स्माइल कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए गाइस। तो वो सबके होने के बाद फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो टॉप सिक्स में सिलेक्ट हो जाते हैं अपने यश भाई। और जो यश भाई बाजू में खड़ा है बंदा, उसकी फिजिक भी काफ़ी तगड़ी दिख रही है, एप के जो एप्स भी एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं, एप चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया। यश भाई के थोड़े एप्स मिसिंग लग रहे हैं, नीचे के जो एप्स होते हैं वो। टॉप सिक्स में आने के बाद सबको मेडल पहनाया जाता है। और उसके बाद जो गाइस, आपको क्या लगता है मतलब कौन डिजर्विंग बंदा है? ऑडियंस को तो लग रहा था गाइस कि डिजर्विंग बंदा
कोई और है। ये जो ब्लू वाला है ना, मुझे तो यही लग रहा है डिजर्विंग। आपको क्या लग रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है गाइस, एक साइड से तो लगता है कि हाँ बायर्स है जजेस, क्योंकि यार मसल मीनिया ना प्योर नेचुरल बॉडी बना के बंदे यहाँ तक पहुँचे हैं, और उस बंदे ने सोचो कितनी मेहनत की होगी, जो यस भाई से भी ज़्यादा मसल्स लेके आए हैं, और जो एब्स हैं, चेस्ट हैं, शोल्डर जो इतनी बेहतरीन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब फाइनल जब नाम अनाउंस होता है यस भाई का कि हाँ यस भाई विनर है, तो बाकी सब एथलीट्स को देख रहे हो, वो बाजू वाला एथलीट गुस्सा हो के अपने मेडल्स निकाल देता है, क्योंकि उसको लगता है वो ज़्यादा डिजर्विंग है यस भाई से। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल यस भाई अपना जीत जाते हैं और उनको ये ट्रॉफी मसल मीनिया की मिलती है, और बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो गुस्से भी हो जाते हैं, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है वहाँ पे, झगड़े भी हो जाते हैं जजेस के साथ होता है। लेकिन गाइस क्या ही बोल सकते हो, वो जजेस का रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ओवरऑल देखा जाए तो सही है इनकी फिजिक्स, फिर भी यार बहुत से लोगों को लगता है कि जजेस बायर्स थे और इसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन भाई इस बंदे ने भी काफ़ी मेहनत करी है, ये दिख रहा है चेहरे पे कितनी खुशी है, और ट्रॉफी को महसूस कर सकते हैं भाई, जीत महसूस कर सकते हैं। मुझे भी तो काफ़ी अच्छी फिजिक्स लगी इनकी, लेकिन एक साइड से मुझे लगा बायर्स, क्योंकि दूसरे बंदे भी इनसे काफ़ी अच्छे थे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनको मालूम चले कंट्रोवर्सी किस लिए हुई थी और क्या है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।